एडवांस स्टडीज। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान प्री डीएलएड बिट एसटीसी के बारे में है, ये क्या होती है, कैसे किस तरीके से करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल बनाएगा तो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको क्या करने हैं, कैसे करने होते हैं, किस तरीके से करने होते हैं, कैसे कैसे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है राजस्थान प्री डीएलएड बिट एसटीसी 2021 आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको राजस्थान के लेटेस्ट सबके साथ अपडेट नोटिफिकेशन मिलते हैं। आपको यहाँ पर एग्जैक्टली क्लिक करनी है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस। पहले मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है जो BSTC का बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स, ठीक है। ये स्टेट लेवल का इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये कंडक्टेड है गोविंद गुरु और ट्रिबल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर लें। आपके सामने जो फॉर्म है, आपका पूरा नाम क्या, फुल नेम, ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर और कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, सिटी क्या है, कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है, फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे में साथ रहेंगे। तो आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो 2 ईयर्स का यहाँ पर एक कोर्स होता है, पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन स्टेट ऑफ राजस्थान में होता है। प्रोफेशन एट एन एलिमेंट्री लेवल इन द NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट ऑफ सीजन से यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2021 एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर दी रीडिंग के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस आपको दी जाती है। सब कुछ आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पढ़ने होते हैं। तो आपको जो प्रोसेस है, तो जो इंक्लूड प्रोसेस है, अप्लीकेशन फॉर्म, डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ। तो पहले जान लेते हैं आपका एग्ज़ाम नेम क्या है। राजस्थान प्री डीएलएड BSTC फुल फॉर्म यहाँ पे राजस्थान प्री डीएलएड बेसिस स्कूल ऑफ टीचिंग कोर्स। एग्जाम टाइप्स यूजी लेवल का होता है, एग्जाम लेवल स्टेट लेवल का होता है। कंडक्टिंग बॉडी गुरु गोविंद ट्रिबल यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड्स होता है और एग्ज़ाम मोड यहाँ पर ऑफलाइन मोड्स होता है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, ठीक है। एग्जाम डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लेज एडमिशन स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यहाँ पर देख लीजिए कि UPSC यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ में, GT गोयनका, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, बनारचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU यूनिवर्सिटी, SSIU यूनिवर्सिटीज़, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको क्या करना है, एडमिशन जरूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना और यहाँ पर एडमिशन जरूर लेना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर राजस्थान अप्लीकेशन फॉर्म इस अवेलेबल BSTC के लिए यहाँ पर होता है 3rd week of June में ही। लास्ट डेट टू पे द अप्लीकेशन फीस के लिए बताई गई है। ये डेट देख सकते हैं, इसी डेट पर सारी चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप अप्लाई करना होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की जाती है, वहीं से आपको फिलिंग करनी पड़ती है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के जो उसमें फिलिंग क्या करनी पड़ती है, मतलब फिल क्या करना पड़ता है, मतलब पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल्स फिल करना पड़ता है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस यहाँ पर लगता है तो BSTC का यहाँ पर 400 रुपीज़ और यहाँ पर 450 रुपीज़। यहाँ पर संस्कृत और बोध के लिए, यहाँ पर जनरल और संस्कृत फॉर एनी वन के लिए तो यहाँ पर बताएगा, और दोनों के लिए 450 एक्स्ट्रा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर जैसे ये 28 ईयर यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर कितना से अप्लाई करने के लिए, 12th आपको कम्प्लीट होना चाहिए CBSE बोर्ड से या फिर राजस्थान के बोर्ड से, ठीक है। 50% मार्क्स चाहिए और 45% SC और ST लाएंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न से यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बताया गया है। मेंटल एबिलिटी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और मार्क्स बताया गया। इस तरीके से सब्जेक्ट अपना मार्क क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी जाएगी। अब सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, आपकी प्रिपेयर करने के लिए।
फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दी जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, तो आप रिज़ल्ट को चेक करना है तो ऑफिशियली चेक करना होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं डिक्लेयर 4th week of December में हो जाता है उसे इन द लॉगिंग के थ्रू। फिर उसके बाद आपको कट ऑफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ की जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए मार्क्स आपको बताया गया है। मेरिट लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंस की जाती है, जिसका भी मार्क्स अच्छा आया रहता है तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है। फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग देनी पड़ती है, काउंसलिंग में रजिस्टर करने पड़ते हैं सारी चीज़ें आपका, वहाँ पर सारी चीज़ें होती है, चॉइस अलॉन्ग विथ ऑप्शन डिज़ायर्ड चॉइस फिलिंग के लिए बताया गया है, फिर आपको किस तरीके से करने होते हैं बस। तो यहाँ पर आपको सीट एलोकेट कौन कौन से में और सीट एलोकेशन लेटर से यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो कुछ भी आपको डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।